हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्नेस्ट इक्वेशन होती क्या है और ये किसमें यूजफुल होती है वो आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर। अब जो नॉर्मल स्टैंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू। ठीक है, तो या तो आप उसको बोल दो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, इसको हम ओनली ई सेल से, सेल के लिए निकालेंगे तो ई सेल आ जाएगा, ई से डिनोट करते हैं। अगर स्टैंडर्ड आता है तो ई नॉट से, एक्चुअल में ये ई ई नॉट ही नहीं होता है, उसमें कंडीशन थी स्टैंडर्ड कंडीशन। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर टेम्परेचर जो है वो क्या हो, 298 केल्विन, ठीक है, प्रेशर क्या हो, 1 एटमोस्फेयर प्रेशर है, ठीक है, और जो आपके पास में कंसेंट्रेशन की टर्म आती है वो क्या है, 1 मोलर है। तो ये कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये नॉर्मल कंडीशन है, और इस नॉर्मल कंडीशन में हम सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नर्नेस्ट साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की और एक इक्वेशन डेवलप की, और उस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है। अब ये मत करना इक्वेशन डेराइव करनी है, डेराइव करनी नहीं पूछी जाती, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या थी, देखो ई जो सेल है, ई सेल का मतलब है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन नहीं है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, इससे मैच नहीं करेगा, सेम एज इट इज प्रेशर, सेम एज इट इज कंसेंट्रेशन। ठीक है, इनसे मैच नहीं करेगा, बिल्कुल इनसे अलग होगी। तो वहां पर इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है सेल का, उसको आप नॉन स्टैंडर्ड या नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो। तो उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि नर्नेस्ट ने क्या इक्वेशन दी थी, और वो आपको पुट करनी है जो आपको न्यूमेरिकल मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम इजिली कर सकते हैं, माइनस RT/NF नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग को आप ln से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, नेचुरल लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, या हम इसको Q भी लिख सकते हैं, जिसको आप रिएक्शन कोफिशिएंट भी बोलते हो। तो नॉर्मली जो नर्नेस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इक्वेशन दी। अब इसमें जो ई सेल है वो क्या है, नॉर्मल या फिर नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ई नॉट क्या है, ई नॉट है ये सेल का है सारा। ठीक है, ई नॉट क्या है, ई नॉट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते जा रही हूँ। आर क्या है, आपको पता है गैस कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, टी क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर है, एंड एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको याद है ना गैल्वेनिक सेल में हमने डिस्कस किया था कि जैसे कि जिंक इलेक्ट्रोड है, दूसरी तरफ आपका जो हाफ सेल है उसके अंदर कॉपर है, तो जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ। तो वो इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, किसी में क्या जाएंगे, 1 जाएंगे, तो वही क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ये लिख सकते हो, एंड जो आपके पास में F है वो क्या, आप सभी को पता है F क्या है, यहाँ पर F इज द
फेराडे, ठीक है। और फेराडे की वैल्यू आपको पता है जो कि कितनी होती है, 9,6,500 कूलम। एंड आर जो होती है उसकी वैल्यू भी आपको पता है, 8.314 जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, यही होती है ना। तो आपको क्या करना है, देखो जब नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है तो उसमें जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन नहीं होता, यानी कि आपको कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो 258 है, यू मान के चलो 300 है, तब हम ये वाली इक्वेशन यूज में लेंगे। बट इन द केस क्या होता है, अगर टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, बाकी प्रेशर कंसंट्रेशन की टर्म नहीं दी हुई, सिर्फ टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, 298 केल्विन दिया हुआ है। तो देखो इस वाले फॉर्मूले में आर की वैल्यू हमें पता है, एफ की वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर की भी 298 अगर होती है तो उस केस में ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर नेचुरल जो लॉग है उसको अगर हम लॉग बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी आएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसकी जगह P डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उसको मैंने Q से रिप्रेजेंट किया, और ये क्या है, रिएक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ये जो ln है, ln क्या होता है, नेचुरल लॉग, लॉग बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, नेचुरल लॉग होता है, अगर हम इसको लॉग बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट करें तो कैसे करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ये है तो इसको कन्वर्ट करोगे लॉग बेस 10 में तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल है, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ की वैल्यू और इसे नेचुरल लॉग को लॉग बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट कर दो, ये वैल्यूज आपको पुट करनी है, ठीक है। इफ इन केस ऑफ टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन, अच्छे से समझना, अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो ही आप ये वाला फॉर्मूला जो बनेगा वो यूज करोगे, अदरवाइज ये करना है, ठीक है। तो E सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो E नॉट सेल माइनस R की वैल्यू आपको पता है 8.314, अभी बताई थी टेम्परेचर 298 डिवाइडेड बाय N आपको नहीं पता, ये एज इट इज रखना, और F पता है 96500 होता है इनटू, अब ये नेचुरल लॉग जो था वो हम लॉग बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2.303 लॉग क्यू, ठीक है। अब जब इसको आप इस पोर्शन को कंप्लीटली मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, देखो इधर E इज इक्वल टू E नॉट सेल, ठीक है, मैं सेल लिख दूं या सेल ना लिखू तो भी एक ही बात है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय N, ये जब कंप्लीट सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी, n इसके नीचे एज इट इज लिख दो, और यहाँ लिखोगे log q, q मतलब आपको पता है कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो कंसेंट्रेशन क्वेश्चन में मिलेगी, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाता है। तो दो फॉर्मूले आ गए, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, और दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है तो, अगर यूज ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन भी क्वेश्चन में है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, इजी वे में आपको सॉल्व करना है। अब इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगी। अब इसमें हम और भी बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं नर्नेस्ट इक्वेशन में ही, तो ये तो एक नॉर्मल सा आइडिया दे दिया, बट अगर कोई केमिकल रिएक्शन दी हुई है, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर सेल दिया हुआ है और उसके लिए अगर आपको वैल्यू निकालनी हो
हो तो आप कैसे निकालोगे? बहुत इजी है, तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो किसी भी एक केमिकल सेल के लिए हम डर्नेस्ट इक्वेशन कैसे यूज में कर लेंगे, या फिर हम कहेंगे कि सेल का जो ईएमएफ है वो हम कैसे निकालेंगे। दिस वन इज द ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। इसको हम कैसे निकालेंगे, वो भी नॉर्मल। देखो अभी अगर आपके पास सेल है तो सेल में क्या होगी, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। हमने सपोज मान के चला कि ए है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है सी प्लस डी। और जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट आपको लगा देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। तो इसके लिए अगर हमें क्या निकालना हो, सेल का ईएमएफ निकालना हो, तो ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। ई सेल इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, ई नॉट सेल माइनस आर टी डिवाइडेड बाय एनएफ नेचुरल लॉग। अब यहाँ पर आप क्या ले रहे थे, क्यू ले रहे थे, दैट मीन्स रिएक्शन कोफिशियंट, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर, तो क्यू क्या है, रिएक्शन कोफिशियंट। बट क्यू की वैल्यू एक्चुअल में होगी क्या, क्यू होगी कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, हम यही कहते हैं ना। बट जब सेल की रिएक्शन हमने देखी तो यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास प्रोडक्ट दो है, कंसेंट्रेशन ऑफ द सी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द डी। बट यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी है ना, वो कहाँ चले जाते हैं, पावर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। एंड नीचे क्या लिखोगे, कंसेंट्रेशन ऑफ द ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द बी, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप पावर में लिख दो, यानी कि यहाँ पर 1, 2, 3 जो भी है वो पावर में चला जाएगा, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे। तो इस क्यू की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो वो डर्नेस्ट इक्वेशन आ जाती है किसी भी केमिकल सेल की, ठीक है, जहां पर टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन नहीं है। बट अगर 298 केल्विन के इक्वल है टेम्परेचर, तो जो मैंने इक्वेशन सेकंड कराई थी वो आप यूज में लोगे। तो ये किसी भी केमिकल सेल के लिए डर्नेस्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब ये तो इसी पोर्शन है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आपके पास जिंक 2 पॉजिटिव आयन थे, सॉरी जिंक है एंड कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, वो कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव आयन के अंदर एंड कॉपर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे ये रिएक्शन लिख रहे हैं ना, सेम एज इट इज यहाँ रिएक्शन लिख रहे हैं। तो आपने ये गैल्वेनिक सेल पढ़ा हुआ है, मैंने आपको कराया था, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन यूज करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में, एंड कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मैंने कंबाइंडली रिएक्शन लिख दी, ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या है कि जो ये रिएक्शन है बैलेंस है, क्योंकि जिंक इधर भी वन है, इधर भी वन है, इधर कॉपर है, इधर भी कॉपर है, ठीक है। तो इस केस के अंदर बच्चों क्या हो रहा है, देखो आपके पास में ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है, ठीक है, और एलिमेंटल फॉर्म के अंदर जो कंसेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, वन ही होती है, हम मान के चलते हैं। और ये भी एलिमेंटल के अंदर है तो इसकी कंसेंट्रेशन भी क्या होगी, वन मोलर ही होगी। बट आयंस की कंसेंट्रेशन वन मोलर नहीं होगी, वो चेंजेबल होगी, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम डर्नेस्ट इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, देखो मैं कम्प्लीटली एक इक्वेशन लिख रही हूँ कि हम सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी डिवाइडेड बाय एनएफ, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर क्या है, नेचुरल लॉग है, और फिर आप लिखते हो कि कंसेंट्रेशन इनकी, तो देखो ये वाली कंसेंट्रेशन तो वन है, तो सिर्फ हम इसकी मान के चलेंगे, दैट मीन सी की, और कोई भी यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है नहीं। तो आप क्या लिखोगे, कंसेंट्रेशन ऑफ द जिंक 2 पॉजिटिव आयन। और नीचे अगर हम देखते हैं तो ए और बी है, सपोज इसको ए माना, इसको बी माना, बट इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, वन है, तो ये वन हो गया, और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एज इट इज, तो दैट मीन्स कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन आप लिख दोगे, ठीक है। तो ये होती है ई सेल, आपको ऐसे निकालना होता है। तो सिंपल है, अगर कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन दी हुई हो उसमें ये कहते हैं कि आपको ईएमएफ निकालना है सेल के लिए, और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी भी वैल्यू नहीं दी हुई,
ठीक है, क्योंकि ये हमें निकालनी आती है। वो हम कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड से। तो आपको कैथोड और एनोड की वैल्यूज मिलेगी, आपको सेल का ईएमएफ निकालना है यूजिंग द नर्नेस्ट इक्वेशन, तो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, और नर्नेस्ट इक्वेशन तो हम यूज में लेंगे ही, क्योंकि वहां पर अगर कंडीशन ये तीनों नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने बताया था टेम्परेचर प्रेशर एंड कंसेंट्रेशन की, तो वहां पर आपको यही इक्वेशन यूज में लेंगे। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी केमिकल सेल के लिए हम इजीली निकाल सकते हैं ईएमएफ। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाता है तो क्या होता है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है वो भी देखना है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। देखो मैंने आपको केमिकल एक गैल्वेनिक सेल अच्छे से समझाया, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। उसमें क्या होता है कि जो जिंक होते हैं वो क्या करते हैं, जिंक टू पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट होते हैं एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देते हैं। ठीक है, मैं नॉर्मली डायग्राम नहीं बना रही हूँ, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे उतना ही टाइम लगेगा, आप समझ जाओगे क्योंकि वो पोर्शन समझाया हुआ है। तो जिंक टू पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हो गए। अब ये जिंक टू पॉजिटिव आयन कहाँ आ जाते हैं, सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं ना, यहाँ पर जिंक टू पॉजिटिव आयन आ जाते हैं। इनको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, यहाँ से तो सॉल्ट ब्रिज होता है, यहाँ से सल्फेट्स आयन आते हैं ना टू नेगेटिव, और इनको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसका मतलब जिंक सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है या हमके जो अमाउंट है वो क्या होती होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, बट जब दूसरी कंडीशन आती है, दूसरा सेल आता है, तो उसमें क्या हुआ था कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन गए। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, कॉपर टू पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट टू नेगेटिव आयन। ठीक है, अब ये कॉपर पॉजिटिव टू पॉजिटिव आयन जो है, यहाँ से टू इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इनको गेन करके यहाँ पर कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर सल्फेट्स आयन ओनली थे, यानी कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि कॉपर टू पॉजिटिव आयन तो इस मेटल पर डिपोजिट होने लग गया। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉपर टू पॉजिटिव आयन कम हो गए, और कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेंगे नहीं, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, यानी कि सर्किट पूरा नहीं हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं करेगी। तो यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, बट यहाँ सेट करने के लिए कॉपर टू पॉजिटिव आयन बचनी चाहिए ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो एक तो ऑक्सीडेशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं रिएक्शन प्रोसीड, ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम बात करें तो जिंक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन तो पोटेंशियल क्या रहेगा, होती रहेगी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन साइड में तो ये रिएक्शन होती रहेगी इस टाइप से। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, जो कि कॉपर टू पॉजिटिव आयन टू इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहे थे, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा था, तो ये जो रिडक्शन है वो क्या होता चला जाएगा, कम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉपर टू पॉजिटिव आयन अवेलेबल है, उनकी कंसेंट्रेशन कम होती जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिडक्शन वाली प्रोसेस है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इन दोनों की वैल्यू, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इनकी जो रेट है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और इसी कंडीशन को आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम बोलोगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जब कंडीशन आ जाएगी तो सेल जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब वोल्टमीटर के अंदर, जो हमने वोल्टमीटर लगाया था ना, वोल्टमीटर के अंदर जो निडल है वो आपकी यहाँ रहेगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो वोल्टमीटर के अंदर आता है वही तो ई सेल होता है, ईएमएफ होता है, जो हम एस एच ई शी से निकालते भी हैं, दैट मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से निकालते भी हैं, तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर जब ई सेल जीरो हो जाता है तो नर्नेस्ट इक्वेशन में आप ये पुट करोगे, देखो क्या फॉर्मूला निकल के आता है। तो यहां पर मैं समझा रही हूं, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है,
ई सेल इज इक्वल टू क्या आता है, जीरो। एंड जो आपका क्यू होगा, क्यू क्या था, रिएक्शन कोफिशिएंट था, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा के के। के इज द, यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रही है, तो के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो इक्वेशन थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ नेचुरल लॉग क्यू, तो ये किसमें चेंज हो जाएगी, अब ये वैल्यू तो जीरो है, जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ लॉग क्यू। तो आप ये माइनस की वैल्यू इधर ले आओ, प्लस में आ जाएगी, तो इसका मतलब ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ लॉग क्यू, ठीक है। हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये वाली इक्वेशन यूज में लेनी है। तो न्यूमेरिकल करते टाइम आपको बहुत ध्यान में रखना है कि हम कौन सी नर्नेस्ट इक्वेशन यूज में लेंगे। नर्नेस्ट इक्वेशन तो एक ही है, बट सेल के लिए हम देख लेते हैं कि कौन प्रोडक्ट है, कौन सा एंड रिएक्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो बच्चों, यहीं पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है आपके पास में के, ठीक है, के, ये जो के होता है ना, ये क्यू की जगह, सॉरी यहां पर मैंने पुट नहीं किया, यहां पर आपको के पुट करना है, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो के होता है, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम आया तभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होने वाली है, ये हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया है कंप्लीट। अब देखो, आपके पास में नर्नेस्ट के जो फॉर्मूले हैं वो आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि मैं इसके बेस पर जो न्यूमेरिकल कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो वो आपके काम आएंगे। तो नर्नेस्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, उसका रिलेशन हम इससे भी लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर ये वाली आपको याद रहेगी ना, तो ये हमारे आगे काम भी आने वाली है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देन नेक्स्ट करते हैं अभी। देखो बच्चों, जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो होती क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल में जी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये चेंजेबल होती रहती है, इसीलिए हम डेल्टा आगे लगा लेते हैं। डेल्टा का मतलब चेंजमेंट है, ठीक है। अब देखो, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, कोई भी सिस्टम जो होता है, या आप लगा लो आपकी जो बॉडी है, आपके अंदर एनर्जी रहती है, ठीक है, और जब आप कोई भी काम करते हो तो वो जो एनर्जी है उसी की वजह से कर पाते हो। इसका मतलब वो जो एनर्जी है वो किसमें चेंज हो गई है, वर्क के अंदर हो गई, यूजफुल वर्क के अंदर हो गई, उसी एनर्जी को आप क्या बोलते हो, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। ध्यान रखना आपको, जो एनर्जी आपके अंदर स्टोर है, ठीक है, स्टोर एनर्जी चेंज इनटू यूजफुल वर्क, ठीक है, यूजफुल वर्क के अंदर जो एनर्जी चेंज होती है उसी एनर्जी को आप क्या बोलते हो, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो वर्क होता है वो क्या होता है, वो पता होना चाहिए। तो जो वर्क होता है वो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो हम प्रोवाइड कराते हैं, या जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो हम यहाँ एनर्जी के टर्म ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज, ई का मतलब आप एनर्जी लगाओ, एंड डब्ल्यू इज द वर्क, ठीक है। अब ये जो क्यू होता है चार्ज, ये चार्ज एक्चुअल में होता क्या है, तो देखो ये चार्ज जो है वो कब डेवलप हुआ, जब कोई भी एटम जो है वो क्या करे, एटम है या मेटल है वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ठीक है, और दूसरा मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। जैसे कि जिंक है, जिंक क्या कर रहा था कि यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक टू पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। एंड अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर टू पॉजिटिव टू इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से चार्ज डेवलप होता है,
ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर आपने फेराडे का फर्स्ट लॉ अच्छे से समझा है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताई थी फेराडेज लॉ स्टार्ट करने से पहले, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, वन इलेक्ट्रॉन, उस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और वहां से हमने फेराडे की वैल्यू कैलकुलेट की थी, याद है आपको। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन है या टू इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है एक्चुअल में, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको क्यू को, चार्ज को, एन इंटू एफ। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन है, टू है, थ्री है, वो यहाँ पर पुट करना है। एंड एफ क्या है, यहाँ पर फेराडे, दैट मीन्स कूलम। तो यहाँ पर वो चार्ज होता है, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से जा रहा है। वो कंसेप्ट मैंने वहां पे समझाया हुआ है, तो आप वहां से क्लियर करोगे अपना, जिसने नहीं देखा है, ठीक है। एन एफ हो गया। अब देखो यहाँ पर जो ई है, एनर्जी है, एक्चुअल में ये है क्या, ये है क्या, ये ई सेल ही तो है। किसी सेल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, कोई सेल काम कर रहा है तो वो हमारा सिस्टम है, वो सेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो W है वो क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। देखो G की वैल्यू क्या आ गई, NF, एंड E को हम E सेल से डिनोट कर रहे हैं, क्लियर है। अब जब कोई भी सिस्टम वर्क करता है, ठीक है, इफ वर्क डन बाय सिस्टम, तो जो एनर्जी होती है सिस्टम की वो क्या होने लग जाती है, डिक्रीज। सिंपल सा है, जब आप काम करते रहोगे तो आप थक जाते हो, इसका मतलब आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो जब वर्क करता है कोई भी सिस्टम, तो इसका मतलब जो एनर्जी है वो क्या होगी, बिकम्स नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव में जाएगी, मतलब कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब W इज इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा Z, क्योंकि ये क्या है, एनर्जी तो है जो कि वर्क में चेंज हो रही है, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो एनर्जी है वो वर्क में चेंज हो रही है, जो वर्क में चेंज होगी इसका मतलब ये एनर्जी कम होती चली जाती है। तो जितनी नेगेटिव में आएगी इसका मतलब वर्क उतना ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क क्या, फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ से इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो, यहाँ से पुट कर दो, पुट करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये माइनस की टर्म उधर लेके लिख सकते हो आप, एन एफ ई सेल, आपके पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दी तो फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। तो फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इतना आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट लेना है, वो क्या, इक्विलिब्रियम वाला। यहीं पर ही लिखा था, यहीं पर वापस लिख लू, एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो आपको पता है कि जो E नॉट सेल है वो किसके इक्वल आता है, पता है ना। तो आपको क्या करना है, E नॉट जो सेल है उसकी वैल्यू पुट करनी है, RT डिवाइडेड बाय LF नेचुरल लॉग एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यही था ना, आप क्या करोगे, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज करो हमने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड माना, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड माना, तो सेकंड में पुट मत करना, क्योंकि यहाँ E सेल है, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ E नॉट सेल पुट इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। थर्ड के अंदर जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो, डेल्टा Z नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू, क्योंकि इंटू में है, आप क्या लिखोगे, आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ नेचुरल लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये एन एफ से एन एफ कैंसिल हो गया, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग, और यहां पर ये आ जाएगा।
और क्या कर सकते हैं, इस नेचुरल लॉग को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना लॉग बेस ऑफ 10 में। जब आप लॉग बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, -2.303 RT लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उसी की तरह होता है, सेल जो रिएक्शन कोफिशिएंट था ना, कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो ये तो सेम रहेगा, सिर्फ एक सिंबल चेंज ही तो हुआ है, बाकी तो इसका कंसेप्ट वही है। तो आपके पास ये फॉर्मूला भी आ गया। तो गिब्स फ्री एनर्जी के देखो कितने फॉर्मूले है, 1 ये तो नॉर्मल है और वो स्टैंडर्ड है, तो दोनों एक जैसे ही है। ठीक है, उसी की हेल्प से एक ये आ गया और उसी की हेल्प से ये, क्योंकि नेचुरल लॉग को हमने लॉग बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट कर लिया, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज में लेते हैं जब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालना हो। तब ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, ये नॉर्मल गिब्स फ्री एनर्जी है, ध्यान रखना है आपको इस चीज में। ठीक है, तो टेम्परेचर, प्रेशर और कंसेंट्रेशन की टर्म अगर आपको जो स्टैंडर्ड दी हुई है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्लियर? अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने वाला है, वो क्या कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कभी भी इस एन वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी, कहां गया, ये रहा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, n दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब यहाँ पर जो गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होती है या नॉर्मल होती है, वो किस पर डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ n पर डिपेंड करती है। n आपको पता है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, बट इस पे इतना फर्क नहीं आता है, ये ध्यान रखना आपको, नोट डाल के अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। तो गिब्स फ्री एनर्जी वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है बच्चों। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और जो हमारी अपकमिंग वीडियो होगी वो न्यूमेरिकल के ऊपर होगी, पूरे उसमें मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी आपको कि कैसे आपको पता चलेगा किसमें ऑक्सीडेशन हुआ किसमें रिडक्शन हुआ वैल्यूज को देखकर। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल अगर वैल्यूज दी हुई है तो भी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता होना चाहिए, वो भी मैं समझाऊंगी। साथ साथ आपको नर्नेस्ट इक्वेशन के बेस पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो करवाने वाली हूँ, और गिब्स फ्री एनर्जी पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो करवाने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।